हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं सुबह के 4:30 बज रहे हैं और आज नवमी है लास्ट। देखिए, भाभी हमारी पूजा चढ़ा रही हैं। ये हमारा देख सकते हैं पूजा घर है, यहाँ पर सब व्यवस्था किया गया है। भाभी आज 4 बजे जागी हैं। वही 4 बजे जाग लो है, 3:30 बजे। आप देख सकते हैं काफ़ी, हम लोग सुबह अभी जगा हूँ। अब भाभी भिड़ी हुई हैं, अभी हमारे घर के सब कोई सो रहा है। देख सकते हैं जा रहे हैं चढ़ाने मंदिर का बजी। देखिए, भाभी जा रही हैं मंदिर चढ़ाने के लिए। जा भाई, चढ़ा के आओ तब पूरी लपसी हम लोग खाई जाए। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं सुबह हो चुका है और अभी सूर्योदय नहीं हुए हैं, भोर हुआ है। आज हमारे घर पर नवमी का पूजा चढ़ रहा है, आप लोग को वीडियो में दिखाया था। चलिए, आने का इच्छा नहीं था, फिर भी आया हूँ। अब बहुत पछुआ बह रहा है और ठंडा भी लग रहा है। चलिए, हम लोग अपना ट्रिप चलते हैं मराठी क्षेत्र पर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही पछुआ बह रहा है। देख सकते हैं हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं और जो आते हैं बच्चे आज आए नहीं हैं क्योंकि रात में प्रवचन सुने हैं, रामलीला देख रहे होंगे, देखे हैं। मैं प्रवचन सुन के चला गया था और रामलीला सुन में अभी आधा घंटा टाइम था, इसलिए चले आए हैं। और देखिए, मराठी पाया हूँ, उनको लोगों को कोई पता नहीं है। इधर आप लोग देख सकते हैं, हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं जो आते हैं वो लोग बैठे हैं एक्सरसाइज करके। तो दोस्तों, यही ज़िंदगी है। बहुत तेज़ ठंडा लग रहा है और टी शर्ट पहन के नोचा भी भूल गया हूँ। इतना झड़ जाता हो सरसों जैसा जी, गई काम लगेगी। तो सरसों झड़ चुका है लमसम, अब कुछ होने वाला है नहीं इसमें। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा मेहनत कर लिया जाता है, आया हूँ तो कुछ कर लिया जाता है। आज नवमी है और नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग को भी। तो चलिए, पहले कुछ कर लिया जाता है। तो देख सकते हैं, देखिए आज भीड़ नहीं है, आज 5-6 बच्चे आए नहीं हैं और आंस हैं, अकेले हैं। इनके पापा पालू देख सकते हैं उधर जा रहे हैं लोग। अभी आंस रनिंग करते जाएंगे क्योंकि पापा बोले हैं कि यहाँ मुझे थोड़ा कर लीजिए, अभी आप दौड़ते आइएगा। जंगल है और सामने देख रहे हैं भट्ठा है, ये है। तो दोस्तों, इधर देखिए सुनील हैं, अभी पत्ता तोड़ने के लिए आए हैं पात गोभी का। देखिए, साइकिल उधर खड़ा किए हैं और 2-3 दिन से अब कटिया शुरू हो चुका है, मशीन जगह जगह कट रहा है। देख सकते हैं हम फुलंत पे आ चुके हैं, अब घर जाने की तैयारी हो चुकी है। तो दोस्तों, आज बच्चे नहीं आए थे, आज हम भी दोनों लोग थे, कैमरा मैन दुर्गेश और मैं। आप देख सकते हैं पोलैंड के बीचों बीच हम लोग खड़े हैं, काफ़ी ठंडा भी लग रहा है। चलिए दोस्तों, मैं अपना ब्लॉग यहीं बंद करता हूँ, अब एक नए ब्लॉग में फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक नए ब्लॉग में इंतजार करिएगा।